हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये फेस्टिवल का पूरा सीज़न ही चल रहा है, लेकिन इस समय ब्रदर और सिस्टर का एक सबसे फेवरेट फेस्टिवल आने वाला है, रक्षाबंधन। इस वीडियो में मैं राखी के कुछ DIY शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए फर्स्ट DIY शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं जो 3 DIYs आपसे शेयर कर रही हूँ, उसमें मैंने फोम शीट का यूज़ किया है। अगर आपके पास फोम शीट नहीं है तो आप सॉफ्ट टॉय बनाने वाले फेल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी मोटे पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। दो सर्कल शेप कट करें, एक थोड़ा सा छोटा और एक थोड़ा उससे बड़े साइज का। छोटे सर्कल को बड़े वाले के ऊपर पेस्ट करें। जब ये दोनों सर्कल आपस में अच्छे से स्टिक हो जाएंगे तो इसके ऊपर हम डॉट पेंटिंग करेंगे। डॉट पेंटिंग छोटे छोटे डॉट से मिलाकर बनाई जाती है। इसको हम पूरा कलर नहीं करते हैं, लेकिन पूरी हम जो पेंटिंग बनाते हैं उसे डॉट से ही कवर किया जाता है। आजकल ये पेंटिंग काफ़ी ट्रेंडिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है और इसे बनाना उतना ही आसान है। इसमें हम अलग अलग शेप्स की डॉट को बनाते हैं। डॉट पेंटिंग को बनाने के लिए उसकी एक किट भी आती है, जिसमें आप अलग अलग शेप्स के डॉट बना सकते हैं। पर अगर आपके पास वो नहीं हो तो आप पेंसिल, क्यू टिप और हेयर पिन से ऐसी डॉट्स बना सकते हैं। ये पेंटिंग बनाते समय आप कोई सा भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपके माइंड में आए, आप कोई सा भी शेप बना सकते हैं। बस इसमें आपको कोई भी जगह एम्प्टी नहीं छोड़नी होती है। सारी जो स्पेस है उन्हें छोटी और बड़े साइज़ की अलग अलग तरह से डॉट बना के आपको उन्हें कवर करना होता है। डॉट पेंटिंग करते समय आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल होने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि इसे इजीली कोई भी बना सकता है, बच्चे भी बना सकते हैं। बस इसमें कुछ पैटर्न्स होते हैं जिन्हें आप स्टार्ट करिए और उसी के अकॉर्डिंगली उसे फॉलो करते जाइए। आप इसे जब खुद बनाएंगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि अब कहाँ पर किस डॉट का कैसे यूज़ करें। इसमें मैं फेविक्रिल कलर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास 3D लाइनर्स हो तो उससे डॉट बनाना और भी इजी हो जाता है, और उससे थोड़ा 3D लुक आता है जो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये पूरा बनने के बाद स्टोन्स, बीड्स ऐसा लुक देती है ये राखी। तो आपके पास अगर स्टोन्स नहीं हो तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अभी हम राखी में फ्रिल वाला लुक देने के लिए जो बड़ा वाला सर्कल है उस पर कुछ छोटे छोटे इस तरह से कट्स लगा देंगे, और एंड में अपनी राखी को एक रिबन के ऊपर पेस्ट कर देंगे। अगर आपके पास रिबन नहीं है तो आप एम्ब्रॉयडरी वाले थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। फेविकॉल अच्छे से लगाएं। अभी राखी के बैक साइड पर अच्छे से एक पेपर पर फेविकॉल लगा के उसे स्टिक करेंगे, जिससे कि राखी रिबन के साथ अच्छे से स्टिक हो जाए। और ये देखिए, हमारी ब्यूटीफुल सी डॉट आर्ट वाली राखी रेडी है। अभी मैं राखी का सेकेंड DIY बताने जा रही हूँ। इसमें भी हम एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल कट करेंगे। बस जो बड़ा सर्कल है उसे आप कुछ इस तरह से रिस्ट वॉच के शेप में कट करिए। अभी छोटे सर्कल को इस बड़े शेप वाले सर्कल के ऊपर अच्छे से स्टिक करेंगे। अभी जो मैं DIY बना रही हूँ ये काफी कूल है, ये किड्स की लाइकिंग के अकॉर्डिंग है। आप इसकी जगह छोटा सा मोबाइल फ़ोन, एलिफेंट या स्टार्स भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर रिस्ट वॉच बना रही हूँ।
अगर आपके घर में कम फैमिली मेंबर हैं, जैसे कि मम्मी, पापा, एक भाई या फिर सिर्फ एक बहन, तो भी आप सबके लिए राखी बनाएं। इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, ये काफ़ी क्रिएटिव होती है और बच्चे इसे बहुत इंजॉय करते हैं। आप इस तरह से रिस्ट वॉच बना के उसे किसी भी पैटर्न से कलर कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा बोहो स्टाइल से कलर कर रही हूँ। ये भी लोगों को काफ़ी पसंद आता है और ये काफ़ी यूनिक और अलग दिखता है। और ये रहा हमारा सेकंड DIY। ये बहुत ही कूल दिख रहा है और ये पूरी तरह से रेडी है। इसे भी हम एक रिबन पर पेस्ट कर देंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट DIY ऑफ दिस वीडियो। इसमें भी हम फोम शीट के ऊपर से कुछ इस तरह का लंबा पैटर्न बनाकर उसे कट कर लेंगे। अभी पंच की हेल्प से दोनों साइड्स पे एक एक होल करिए। अभी हमने जो दोनों होल किए हैं उसमें आपको रिबन को कुछ इस तरह से स्लाइड करते हुए दोनों साइड से उसे निकालना है। ये थोड़ा ब्रेसलेट लुक जैसी राखी है और इसमें आपको रिबन को अलग से स्टिक भी नहीं करना पड़ता। अभी हम दोनों एंड्स पर अच्छे से नॉट लगा देंगे जिससे कि रिबन इधर उधर स्लिप ना हो। अभी मैंने इस राखी पर ड्रो लिख दिया है। आप अपनी चॉइस से कुछ भी लिख सकते हैं और जो लिखा है उसके ऊपर फेविकोल लगाकर उसके ऊपर उसी शेप में हम बीड्स को अरेंज करेंगे। अभी जो हमने लिखा है उसके ऊपर ये देखिए बीड्स इस तरह से अरेंज करने हैं और जो साइड की स्पेस है उसके ऊपर मैं वाइट कलर के बीड्स स्टिक करूंगी। सारे बीड्स स्टिक करने के बाद ये राखी बिल्कुल ब्रेसलेट जैसा लुक देगी। रिबन्स के साइड्स को आप अच्छे से ऐसे हीट करके उसे हाथ से अच्छे से प्रेस कर दें, इससे धागे नहीं निकलेंगे। और ये हमारी ब्रेसलेट लुक वाली राखी रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।